सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल को और साथ ही बेल आइकन दबाइए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। दोस्तों, आज मैं इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूं कि आप अपना आधार नंबर को किस प्रकार से वेरीफाई कर सकते हैं और आपके आधार कार्ड में कौन सा मोबाइल नंबर डला हुआ है या नहीं डला है, वो भी बड़ी आसानी से आप चेक कर सकते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अशोक और आप सभी लोगों का मेरे YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। आप लोगों को क्रोम ब्राउज़र ओपन कर लेना है अपना। इसके बाद में दोस्तों UIDAI आधार कार्ड की ऑफिशियल वेबसाइट खोल लीजिए। एंटर कर दीजिए। इसके बाद में दोस्तों देखिए इस प्रकार से पेज ओपन होगा। ये नीचे की साइड में आप आना है आप लोगों को। ये यहाँ पर लिखा है वेरीफाई ऑन आधार नंबर, तो आपको इस पर क्लिक कर देना है। ये देखिए दोस्तों, इस प्रकार से पेज ओपन होगा फिर आप लोगों के सामने। तो यहाँ पर आपको आधार नंबर डाल देना है अपना। तो चलिए हम आधार नंबर डाल देते हैं। ये यहाँ पर आधार नंबर राइट का निशान लग गया, मतलब सही है हमारा आधार कार्ड नंबर। इसके बाद में यहाँ पर नीचे साइड में ये कैप्चा दिखाई दे रहा होगा, ये कैप्चा यहाँ पर डाल देना है। फिर सिंपल आपको प्रोसेस टू वेरीफाई लिखा है, इस पर क्लिक कर देना है। ये देखिएगा दोस्तों, इस प्रकार से दिखाई देगा आप लोगों को। तो यहाँ पर ये सब कुछ दिखाई दे रहा है, यहाँ पर लिखा हुआ आ गया है आधार वेरिफिकेशन कंप्लीटेड, और यहाँ पर ये नीचे की साइड में लिखा है एज बॉन्ड दिखा रहा, जेंडर, स्टेट और मोबाइल नंबर। तो इस आधार कार्ड में लास्ट के आपके 3 अंक दिखाएंगे, ये जो नंबर आपका डला हुआ है तो लास्ट के 3 डिजिट दिखाते हैं। तो यहाँ से आप सिंपली इस तरीके से आप अपना कार्ड को वेरीफाई कर सकते हैं और मोबाइल नंबर चेक कर सकते हैं कि कौन सा नंबर डला है या नहीं डला है। तो दोस्तों, आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं इसी प्रकार की लेटेस्ट वीडियो लाता रहता हूं ताकि आप लोगों के पास सबसे पहले पहुंच सके। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद।